पांच साल हो गए थे सऊदी में काम करते हुए, पहला एक साल कर्ज उतारना, दूसरा तीसरे साल की कमाई बहनों की शादियों की भेंट चढ़ गया, चौथे साल कुछ बचत करके आने की सोचा तो अब्बा की तबीयत खराब हो गई, फिर नहीं आ सका और अब्बा गुजर भी गए। बूढ़ी अम्मा घर पर अकेली थी, लेकिन कोई बचत नहीं तो हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी। पांच साल सऊदी में रहने के बाद खाली हाथ घर जाऊं, लेकिन अम्मा की जिद और बहनों ने भी कहा भैया आ जाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आ जाओ। कहा तो हिम्मत बड़ी, कुछ उधार बारी करके टिकट लेके वापस आ गया कि कोई बड़ी जिम्मेदारी तो है नहीं, अब यही कुछ कर लेंगे। आने के दूसरे दिन बहन से मिलने गया, बहन भी अब बच्चों वाली हो चुकी थी। आते वक्त भांजों के हाथ पर 100 रुपया रखकर वापस हुआ। दूसरी बहन के यहाँ पहुँचने पर पास के पैसे भी खत्म हो चुके थे, लेकिन उसे ये उम्मीद थी ये बहन जो कुछ ज्यादा नजदीक है कुछ नहीं बोलेगी। वहाँ से वापसी होने पर भांजे के हाथ पर कुछ नहीं रख पाया। घर पहुँचने पर अम्मा ने बताया कि एक बहन का फोन आया था, बोली भाई 5 साल बाद सऊदी से आया था, मेरे बच्चों के हाथों पर 100 रुपया रख के गया, इतना तो हम फकीरों को दे देते हैं। दूसरी बहन बोली कि 5 साल बाद सऊदी से आया था, अगर बच्चों के हाथ पर 10 रुपये भी रख देता तो बच्चे कहते मामू आए थे, लेकिन मेरी नाक कटा दी, ससुराल में खाली हाथ चले गए। मैं अब वहां खड़ा अपने पिछले 5 सालों की कमाई का हिसाब लगा रहा था।